कोरोना की वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब अगले महीने से 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहों ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को दूर करने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मोर्चा संभाला। अभी तक आज की तारीख तक एक भी जो डेथ है वो कोविड के वैक्सीनेशन के कारण सारे देश के अंदर नहीं हुई है। तो साफ साफ सुन लीजिए, देश में भले ही वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में संदेह अभी भी है, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात साफ कर दी कि वैक्सीन की वजह से देश में किसी की मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बता दिया कि वैक्सीन को लेकर सरकार का अगला प्लान क्या है। मार्च में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले देश में अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज शाम 6 बजे तक कुल 85,16,316 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स दोनों शामिल हैं। Very soon, I think in another two weeks from now, maybe three weeks from now, we'll start the process of giving vaccine to the third major group, which is the group constituting 26 crore people, all those who are above 50. भारत में कुल 96,31,637 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। आज सुबह तक 60,57,162 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली खुराक मिल गई है, जबकि 97,732 हेल्थ वर्कर्स ने अपनी दूसरी डोज ले ली है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक 23,61,491 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या अब तक कम है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। सरकार के मुताबिक इसके पीछे तीन वजह हैं। हर राज्य में वैक्सीनेशन के दिन तय हैं, यानी हर दिन हर राज्य में वैक्सीन नहीं लग रही है। एक साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी डोज पहली खुराक के 4 से 6 हफ्ते में ली जा सकती है। फिलहाल भारत में हर दिन वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो आपको कोरोना को भगाना है और साथ में अफवाह को भी। ABP News, आपको रखे आगे।